हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक छोटा सा लड़का बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसको अपना पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए दूसरों के घर में गाय और भैंस का देखभाल करना पड़ा। और वही लड़का आगे जाकर इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस डिज़ाइन किया और जिनको 6 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। मैं आज आप लोगों को उसी महान साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, और उस महान साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर मेघनाथ साहा। तो ये कहानी शुरू होती है 6 अक्टूबर 1893, जब बांग्लादेश के एक छोटे से शहर ढाका से 45 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में मेघनाथ का जन्म होता है। उनके पिता का नाम जगन्नाथ साहा और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता एक दुकानदार थे और उनके परिवार बहुत ही गरीब था। मेघनाथ बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। 1905 में उन्हें ढाका कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन जैसा कि हर गरीब परिवार में होता है, उनको आगे तक पढ़ाना उनके पिता के लिए इम्पॉसिबल था। और ठीक उसी समय उनके गांव के एक डॉक्टर ने मेघनाथ को काम पर रख लिया और इसी तरह उनका आगे का पढ़ाई चालू रहा। 1911 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हो गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनको प्रफुल्ल चंद्र रॉय और जगदीश चंद्र बोस जैसे महान टीचर से सीखने का मौका मिला। महान साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस उनके ही क्लासमेट थे। 1916 में उनका प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुआ एज अ लेक्चरर इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1919 में उन्हें एक स्कॉलरशिप मिल गया और वो यूरोप चले गए। 1920 में उन्हें लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो निर्वाचित किया गया और ठीक उसी साल उनका थर्मल आयनाइजेशन थ्योरी पब्लिश हुआ। उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ग्रिफिथ प्राइज से सम्मानित किया गया। 1923 में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो 15 साल काम किया। मेघनाथ बहुत सारे बुक लिख चुके हैं, जिनमें से ट्रीटीज ऑन हीट एक बहुत ही कामयाब बुक है। 1925 में उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया। 1940 में उन्होंने इंडिया में सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स MSc का सिलेबस डिज़ाइन किया। 1992 में इस महान साइंटिस्ट ने इलेक्शन भी लड़ा था और जीता भी था। उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, जिसका प्लान उन्होंने डिज़ाइन किया था। उनका टोटल 6 चाइल्ड है, उनमें से 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। विज्ञान और मनुष्य के जीवन में डेवलपमेंट के लिए मेघनाथ साहा ने जो काम किया है, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। 16 फरवरी 1956 को सिर्फ 62 साल की उम्र में इस महान साइंटिस्ट का देहांत हो गया हार्ट अटैक से। मेघनाथ साहा एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे। उनके द्वारा दिया गया आयोनाइजेशन इक्वेशन नए वैज्ञानिकों के खोज में बहुत महत्व रखता है। 1950 में उनके द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भारत के लिए एक धरोहर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।